हिंदुस्तान और चाइना की टेंशन के बाद दूसरी बड़ी वजह जो कल की गिरावट थी वो थी जीडीपी का खराब होना। ऐसी संभावना जिससे लग रहा है कि भैया देश में सब कुछ हाहाकार हो गई है, जीडीपी बर्बाद हो गई है, इंडस्ट्री खत्म हो गई। पर मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, क्या आपको ये नहीं मालूम था कि कोविड की वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सब डाउन होने वाला है? क्या हमें पहले से ही पता नहीं था? दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का हाल क्या होगा, बाजार कैसा चलेगा और ये सब कारण हम क्या मार्केट में डिस्काउंट कर पाएंगे, क्या बाजार वाकई तेजी की तरफ चला जाएगा या वाकई बाजार मंदी की तरफ चला जाएगा, क्या करेक्शन की संभावनाएं दिखाई देती हैं, क्या तेजी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और हाँ, इस सितंबर के आने वाले हफ्तों में दोस्तों आईपीओ की बाढ़ आने वाली है। जी हाँ, आईपीओ की आने वाली है। एक एक आईपीओ का पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, आने वाली वीडियोस में देखेंगे कौन से आईपीओ में आपको लगाना चाहिए, कौन से आईपीओ में आपको नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप आईपीओ में लगाना चाहते हैं और आप नए हैं इस मार्केट में एंटर करने का, आईपीओ बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका होता है। और अगर आप आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पहले डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दिए हैं। जहां चाहे वहां अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज के लिंक आपको मिल जाएंगे, जिनमें से मुख्य कंपनी रहती है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू, इस सबके आपको डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इंडिया इन्फ्लाइन एक ब्रोकर है जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जहां आप चाहे अपनी मनपसंद के ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलिए और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में आने की शुरुआत कर सकते हैं। और देखते हैं बाजार कैसा चल रहा है, क्या कहता है ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, क्या लेवल्स निकल के आते हैं। और इस वीडियो में ये जरूर देखेंगे कि निफ्टी के अगले टारगेट क्या है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों। और निफ्टी के साथ साथ हम इसमें रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये दो शेयर्स हैं जो निफ्टी को मूव कराते हैं, बैंक निफ्टी को मूव कराते हैं, तो इसमें क्या पोटेंशियल है, बाजार को किस तरफ ये लेके जाएंगे, क्या लग रहा है कि निफ्टी के हैवी वेटेड स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आने वाली है या ये फर्दर कोई नया हाई बनाने वाले हैं, कौन से ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है जहां से वो बाउंस बैक कर सकते हैं, तो बाउंस बैक के लेवल जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बाजार कहां रेजिस्टेंस फेस करेगा। निफ्टी के लेवल देखने की कोशिश करेंगे, बैंक निफ्टी के देखेंगे, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। दोस्तों, ज़ीरोधा की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी की जो कैंडल है बहुत ही कमाल कैंडल बनी है, दोनों तरफ से एक पुलबैक रैली रही, बियर्स ने भी एक प्रेशर दिया, बुल्स ने भी एक प्रेशर दिया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने में कामयाब हुई। हालांकि कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की बहुत ही ख़राब थी, 411,401 की क्लोजिंग थी और यहाँ पे जो निफ्टी क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग है 11,527। निफ्टी फ्यूचर सितंबर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपको क्या बताने की कोशिश करता है कि यहाँ से लेवल क्या निकल के आएंगे। अगर आप आज की क्लोजिंग को पकड़ के देखें कि कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आ सकते हैं, दोस्तों ये कैलकुलेटर आपके लिए बहुत जल्दी लाइव कर दिया जाएगा, पब्लिक डोमेन में लाइव आ जाएगा और ये आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, आपके ट्रायल के लिए। जो भी इस कैलकुलेटर का फ्री ट्रायल चाहता है उसको कुछ नहीं करना, सिंपल एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी ब्रोकर्स के अकाउंट दिए हैं, आपके पास अगर कोई ब्रोकर का अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। बस आपको मेरी फैमिली का हिस्सा बनना है, सिर्फ फैमिली का हिस्सा, बहुत ही आसान है। फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और आपको एक महीने का ये ट्रायल बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बहुत सालों की मेहनत है जो आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, आप फ्री ट्रायल कीजिए, पसंद आए तो बहुत ही मिनिमम सी फीस के आप इसको ले सकते हैं। जिस भी ट्रेंड को आप समझ पाते हैं, अगर आपको लगता है बाजार तेज है तो जाके तेजी के लेवल में काम कीजिए, अगर आपको लगता है बाजार मंदा है तो मंदी के लेवल में काम कीजिए। आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकर डाउन और ब्रेकआउट लेवल आपको निकाल के देगा, जहां से ऊपर एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैलकुलेटर क्या बताता है, स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। 11,449 ये लेवल वही लेवल है जो मैं नाइट सेशंस में, लाइव सेशंस में आपको बताता हूं। अगर आप आते हैं तो वेलकम है, थैंक यू सो मच, अगर नहीं आते तो आइए लाइव सेशंस ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। 11,449 इज वेरी वेरी क्रूशियल लेवल, वेरी क्रूशियल लेवल। यहां से गिरता था तो बाजार 342 का सपोर्ट था, हमने कल भी डिस्कशन किया था। आज क्या सपोर्ट रहा दोस्तों, कल ही सपोर्ट निफ्टी ने 323 के आसपास किया था और हमें कहा था अगर ये मेंटेन होता है तो वापस एक पुलबैक रैली आएगी। 449 को क्रॉस किया, 556 तक जाएगा और उसके बाद 664 तक जा सकता है। तो आज का हाई कह रहा दोस्तों, आज का हाई अगर देखें स्क्रीन पे तो दिस इज 589, हाई 589 है, उसके बाद में 527 के आसपास सस्टेन हुआ है। मतलब अगर हम जो बाइंग में बैठना चाहते हैं 449 का स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा। जैसे 449 टूटेगा बहुत ताश के पत्तों की तरह बाजार फिर से गिरेगा और 200 और 100 के लेवल को छू सकता है। जब तक बाजार 11,449 से ऊपर है, निफ्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको बाइंग में बैठ सकते हैं। 556 का पहला टारगेट है जो अचीव हुआ है, 664 से ऊपर में ब्रेकआउट आएगा। पहला ब्रेकआउट 664 से ऊपर आया था, दोबारा 664 से ऊपर चलेगा तो ब्रेकआउट आएगा, नहीं तो वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी, दोबारा से नीचे आएगा। अब समझते हैं बैंक निफ्टी की चाल क्या रहने वाली है।
बैंक निफ्टी क्लोजिंग हमारी 23,945 के आसपास की है, 23,945। देखिए दोनों तरह का प्रेशर है, बुल प्रेशर एंड बियर प्रेशर। ये कैंडल बहुत सामने है आपके, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डोजी, कुछ लोग स्पिनिंग टॉप भी कह देते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको समझिए कि आप नाम कोई भी दीजिए, मैं इस कैंडल को अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसी कैंडल है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि इसमें बियर का प्रेशर भी था और इसमें बुल का प्रेशर भी था, मतलब इसमें तेजी वाले भी हावी थे इस कैंडल में। लास्ट आज पूरे दिन की कैंडल की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन क्या हुआ है वो बता रहा है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के क्या हो सकते हैं। क्लोजिंग पकड़ लें 23,945 की, तो चलिए 23,945 से बात कर लेते हैं क्या है नंबर गेम। मैं बाजार को नंबर गेम समझता हूं, नंबर गेम के अलावा बाजार कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। 24,025 का एक मेजर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट लेवल है, 23,945 की क्लोजिंग है। 24,025 से ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगी आपको स्टॉप लॉस रखना है 23,870 का, 23,870 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट रहेगा 24,180, सेकंड टारगेट विल बी 24,336। ये लेवल्स रहने वाले हैं, बट अगर 24,025 से नीचे नीचे रहता है बाजार तो बाय में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 24,025 से ऊपर निकले ही काम कीजिएगा तभी आप बाय में बैठिएगा, उसके नीचे 23,870, 23,716 ये लेवल्स रहने वाले हैं, तो बिल्कुल लेवल के हिसाब से काम कीजिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, आपको रिलायंस का लेवल डालना है यहाँ पे, आपको बता देगा इंट्राडे में कैसे काम करेगा। 2094 से ऊपर निकलता है इंट्राडे में तो आप बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 207, 2080 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ब्रेकआउट आएगा 2116 जैसे ही पार करेगा, एक फास्ट रैली 2160, 2162, 2209 एंड 2256 ये लेवल्स होने वाले, बट इमीडिएट टारगेट रहेगा 2162 रह सकता है, 2116 से ऊपर चलेगा, 2116 से ऊपर चले तो ही बाय कीजिएगा, उससे पहले कोई बाय करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ब्रेकडाउन करता है उससे नीचे नीचे रहता है, 2070 से नीचे चल पड़ता है तो 1980 के रेट आराम से आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बात करते हैं HDFC बैंक की, और HDFC बैंक की क्लोजिंग रही 1127 के आसपास की, और इसकी भी कैंडल बिल्कुल वैसे ही बनी है, दोनों तरफ का प्रेशर रहा, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा इसके अंदर में, और हाई बनाया 1143 का और लो बनाया 1108 का, और 1123 रुपये 95 पैसे 1124 की क्लोजिंग करने में कामयाब रहा है। तो 1124 रुपये अगर पकड़ लेते हैं हम मोटा मोटा तो क्या कहता है, तो बाइंग इंट्राडे में करना है, 1130 से ऊपर निकलता है तो ही बाय करेंगे वरना बाय नहीं करेंगे। और स्टॉप लॉस रहेगा 1118, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे के लिए, 1129 का से ऊपर बाय करेंगे, पहला टारगेट 1146 1146। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करिएगा बहुत ज़बरदस्त, अगर ये क्रॉस करता है तो ही आगे बढ़ेगा, वरना यहाँ से प्रॉफिट बुक करिएगा बाहर आइएगा। 1118 तोड़ता है तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, और 1156 से जब तक नीचे, अभी उसके नीचे ही चल रहा है, ब्रेकआउट लेवल से नीचे ही चल रहा है, तो अभी इसमें कोई तेजी नहीं है। जब तक फर्दर तेजी, जो पोजिशनल काम करना चाहते हैं 1156 से ऊपर ही काम करें। दोस्तों एक डिस्क्लेमर रहेगा कि जितने भी हम लेवल एनालिसिस कर रहे हैं दिस इज ऑल फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, तो अगर आपको समझ में आता है आपके लेवल्स आपकी एजुकेशन से मैच करते हैं या आपके एडवाइजर के लेवल से मैच करते हैं काम कीजिए, नहीं मैच करते आप इसको खाली एक इन्फॉर्मेशन समझ के इग्नोर कर सकते हैं। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो अपना प्लीज़ मोटिवेशन मुझे जरूर देते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, कल लाइव सेशन है दोस्तों, हाँ मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को हम लाइव सेशन करते हैं ठीक 9 बजे, कोई भी लाइव सेशन मिस मत कीजिएगा, डेली 9 बजे या तो वीडियो पोस्ट होगी या लाइव सेशन होंगे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम अल्टरनेट डेज पे लाइव सेशन करने वाले हैं, और बचे हुए अल्टरनेट डेज पे हम एक वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में कल 9 बजे, आप भी आइए अपने दोस्तों को भी लिखाइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।